हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेस में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो 5,000 कांस्टेबल की जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू कर दी जाएगी। यानी कि सितंबर माह में जो भर्ती प्रक्रिया है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आज के जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है, आज के जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, कि क्या जो सिलेबस पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, तथा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यानी कि शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहेगी, तो इस वीडियो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तथा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम पर आए, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। बात करें राजस्थान पुलिस भर्ती की, जो 5,000 जो अभी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी कि लगभग 5,000 जो कांस्टेबल भर्ती हैं वो विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। और विज्ञप्ति जारी कब की जाएगी, सितंबर माह में जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, राजस्थान पुलिस में होने वाली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती लेकर सरकार ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है। दोस्तों, जल्द ही 5,000 कांस्टेबल की भर्ती विज्ञप्ति जारी होगी। सरकार ने इन पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी ले ली, यानी वित्त विभाग से। जैसा कि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें वित्त विभाग ने जो मंजूरी दे दी है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की है जो 5,000 पदों की भर्ती है जारी की जाएगी। हालांकि सीएम ने 9,306 पदों पर भर्ती लेकर ट्वीट किया था, एक ट्वीट आया था मुख्यमंत्री का कि उसमें लगभग 9,306 पदों की भर्ती थी, उसमें 8,500 यानी 8,600 तो कांस्टेबल के थे तथा 706 SI की भर्ती थी। लेकिन जो वित्त विभाग ने उसे वैकेंसी जो जितनी पोस्ट थी उसमें काट करके जो वैकेंसी वो 5,000 पद कर दिए गए। माना जा रहा है कि जो बची हुई 3,500 यानी 3,600 पद हैं वो उनकी भर्ती प्रक्रिया बाद में की जाएगी। 5,000 पदों पर जल्दी पुलिस मुख्यालय भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। युवाओं को सब इंस्पेक्टर के पदों पर भी सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। यानी कि जैसे ही पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंट विज्ञप्ति है वो जारी कर दी जाएगी, उसके जस्ट बाद में जो SI के यानी सब इंस्पेक्टर के पद हैं, लगभग 750 के लगभग पद होंगे, तो उनकी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर पदों पर उम्मीदवारों के चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के प्रदर्शन आधार पर प्रदर्शन के, यानी कि कांस्टेबल की जो वैकेंसी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा कि सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में शारीरिक दक्षता होगी, उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा। संभव है कि कांस्टेबल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं पास तथा सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट रखी जाएगी। जो कांस्टेबल का जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हो, राजस्थान पुलिस में भर्ती में कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान यानी GK, तर्क शक्ति एंड रीजनिंग, हिंदी अंग्रेजी एवं विज्ञान इन सहित अन्य विषयों के, इन सभी विषयों के जो सवाल है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये था जो सिलेबस का पैटर्न है। और जो रही बात भर्ती प्रक्रिया, तो आप मान के चलिए कि सितंबर के अंदर जो वैकेंसी है वो जारी कर दी जाएंगी। सितंबर माह के अंदर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, जो 5,000 वैकेंसी जारी करने वाला है विभाग, उसका जो भर्ती प्रक्रिया है वो लगभग सितंबर माह के फर्स्ट या सेकंड वीक में सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो वो मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। तो सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए आपको हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है उसके बारे में आप अप टू डेट रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।